नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुश्याम। दोस्तों आज मैं एप्सॉन के कलर प्रिंटर की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। दोस्तों यह तस्वीर स्टूडियो जगदलपुर में नया कलर प्रिंट इंस्टॉल हुआ है, तो इसका आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर और कैसे ये प्रिंट करता है और कितनी अच्छी क्वालिटी हमें फ़ोटो में देता है और क्या क्या साइज़ में देता है। यह है दोस्तों एप्सॉन का कलर प्रिंटर। फटाफट खोलते हैं इसको, हटाते हैं झिल्ली, इसका प्रोटेक्शन। बहुत सारा टेप लगा हुआ है, इस टेप को भी फटाफट निकाल देते हैं। यह है इसका स्टैंड और स्टैंड के ऊपर मशीन फिट हो गया। ये पावर ऑन हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है चालू होने के लिए। अब ये बोल रहा है इंक डालने के लिए। दोस्तों ये इंक का है, इस साइड में 6 इंक लगता है और इधर में 6 इंक लगता है, कॉटरेज बोलते हैं इसको। इसमें लिखा रहता है कौन सा है, सब पे लिखा रहेगा। इसको हल्का सेक करना है और यहाँ पे लगाना है। ये हम लगा रहे हैं जिसमें जो लगेगा, VM हो गया, GY हो गया। ये 12 इंक वाला है ये प्रिंटर। ये बस थोड़ा हल्का सेक करना है और इसमें लगाना है और ये थोड़ा अंदर ढकेल के ये हो गया फिट। अब इस साइड 6 हो गए, अब इस साइड 6 लगाना है। अब ये लगभग 30 से 35 मिनट, ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है तो 30 से 35 मिनट लगेगा इसको प्रॉपर प्रिपेयर होने के लिए। ये पेपर रोल को कैसे फंसाना है इसके लिए कि ये दो साइड में स्टैंड रहता है, ये लगेगा यहाँ ऊपर में। ये देखिए इसको कैसे फिट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा टेप लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ये पेपर रोल है, इसमें जैसा पेपर आपको लगाना है, जिस साइज में लगाना है, सारा सपोर्टेबल रहेगा, इसमें सब चीज़ लगेगा। मेट लगाना है, ग्लॉसी लगाना है, सारे पेपर्स इसमें सपोर्ट करेंगे। ये इसको ऐसे अंदर इंजेक्ट करते हैं, इसको कर दिए बंद। अब यहाँ सिलेक्ट करना है कि अपने कौन सा पेपर डाले है। अगर आपने ग्लॉसी में डाले तो ग्लॉसी पे, और कितने GSM का डाले उस पर सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मतलब अगर मेट में डाले तो मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आ गए सिस्टम में, अपनी फोटो एडिट करके रखे। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ दिखा देगा कि अपने को किस साइज में करना है और यहाँ पे मतलब किस साइज में है, कितनी क्वालिटी में है, ये सब चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा अपने को। ये देखिए जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइज अभी क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे 20-30 का साइज हमने क्रिएट किया है, ये भी 20-30 के साइज में प्रिंट करेंगे। क्वालिटी यहाँ से देख रहे हैं, क्वालिटी कितना भी बढ़ा सकते हैं, 5 तक ले जा सकते हैं, मैक्स क्वालिटी बोलते हैं इसको। ये और दूसरा साइज भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं कि और कैसे क्रिएट करना है। जैसे 16 भी तो नहीं होता है, तो मतलब 16-20 नहीं होता है, तो इसको 20-16 करना पड़ता है। तो ये 20-16 भी क्रिएट करके दिखा दिए। इसमें अब हम जैसा साइज क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ से फाइनल ओके करेंगे तो ये प्रिंट चले गया। ये ऑप्शन कॉटरेज का ऑप्शन दिखा दिया, मतलब इसका प्रिंटर का। अब इस प्रिंटर पर साइज़ दिखा रहा है, ये देखिए लास्ट ईयरों तक दिखा रहा है, इतना पेपर जो दिख रहा है ये आपको छूट जाएगा, बाकी इतना भी प्रिंट होगा। और बड़ा साइज हमने किया होता तो वो दिखा देता। ये हमने प्रिंट कर दिए, अब यहाँ प्रिपेयर हो रहा है मशीन प्रिंट करने के लिए। अरे प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया, देखते हैं अभी कैसा प्रिंट देता है और कैसी क्वालिटी में देता है। ये फर्स्ट प्रिंट है इस मशीन का,
बहुत ही फास्ट प्रिंट कर रहा है। वाह, देखने से तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं और क्या क्वालिटी देता है। ये सबसे लो क्वालिटी का था, इससे और हाई क्वालिटी हम लोग इसमें कर सकते हैं। सबसे दो नंबर वाला क्वालिटी पे हमने किया था, इसमें पाँच नंबर तक जा सकते हैं, मैक्स तक जा सकते हैं। हाई क्वालिटी के ऊपर मैक्स क्वालिटी, ये लो क्वालिटी था। सबसे लो क्वालिटी में भी लग रहा है कि फोटो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये क्वालिटी अच्छा ही है। दोस्तों, जिस किसी को भी अगर फोटो प्रिंट करवाना है तो आप जगदलपुर में अगर है बस्तर में, तो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक्स, तस्वीर स्टूडियो या स्टूडियो 8 में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं।